हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है DES कैंडिडेट के लिए, क्योंकि उन लोगों के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में क्या है वो आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 5-6 तारीख जनवरी को DES जो कैंडिडेट हैं उन लोगों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। अब उसके साथ ही एक गुड न्यूज और दी थी कि वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया था, जो टोटल पोस्ट हो गई थी जाके 610 और क्वालिफाई बंदे किए हैं उनने 930, ठीक है। अब बात आती है इनके एफिशिएंसी टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट, ये होना है, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट किस डेट में होने वाला है उसको लेके नोटिस जारी किया है। हालांकि रिजल्ट के साथ बता दिया गया था कि किस डेट को आप लोगों को रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। अब इनने एक बार फिर से नोटिस जारी किया है, उस नोटिस को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि पॉइंट नंबर 1, द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ प्रोविजनली सॉर्ट टेस्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ MSW ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022 विल बी कंडक्टेड 6 फरवरी 2023 ऑनवर्ड विच द क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। इसमें बताया है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं MSW ड्राइवर इंजन के लिए, तो उन लोगों को 6 फरवरी को ये टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, जो कि एक क्वालिफाई नेचर का होगा, जो कि आप लोगों को बस पास करना है। इस टेस्ट से आपका मेरिट से कोई लेन देन नहीं है कि आप लोगों को अगर मेरिट पे कोई असर आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये क्लियर कर दिया कि क्वालिफाइंग नेचर का है, और पहले से भी होता है कि इसमें फिज़िकल आपको कोई मार्क्स नहीं होते फिज़िकल का, बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ओके। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो डिक्लेयर है वो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद ही डिक्लेयर और प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद बनती है। उससे कैंडिडेट एक दो आउट भी होते हैं या एक दो तीन आ भी जाते हैं। अगर लड़के ज़्यादा पास हो जाते हैं तो उन लोगों को मेरिट 1 से 2 नंबर अप करनी पड़ती है, ठीक है। डाउन होने का तो कोई चांस होता नहीं है जो मेरिट लगी हुई है उससे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को 6 फरवरी को इन लोगों ने बुलाया है BRO स्कूल एंड सेंटर डिग्री कैंप पूना। अब इन लोगों ने बताया है कि किस किस डॉक्यूमेंट के साथ आप लोगों को जाना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी चेक होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन लोगों ने एक फॉर्म बताया है जो कि अटेंडेंस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जिन भाइयों को अगर ये फॉर्म नहीं है या लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और जो भाई मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सपोर्ट कर लें, क्योंकि सपोर्ट और सब्सक्राइब से क्या होता है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो बनाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, जिससे जानकारी आपके पास पहुँच जाती है, ठीक है। और आप लोग अगर मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी जानकारी मिलती है ऑथेंटिक मिलती है। फिजूल व्यू के लिए मेरी वीडियो नहीं बनता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है जो आप लोगों के लिए फिजूली के लिए वीडियो बनाता रहूँ, ओके। सबसे पहले बात करेंगे ये फॉर्म लेना है, और जिन भाइयों को लेना है तो वो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे कमेंट करें तो आप लोगों को मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ये सभी के पास होगा जो जहाँ रह रहा है उसका, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी जिस पोस्ट को लेके एजुकेशन रहती है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो उसे ज़्यादा लेके जाएं पहले।
क्योंकि वो नहीं होगा तो आपका चांस बहुत प्रॉब्लम बन सकती है अगर वो नहीं है। स्टेट का तो कम ना हो, एक बार चल भी जाएगा, मगर केंद्र सरकार का जरूर होना चाहिए और दोनों होना चाहिए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, दोनों ही लेके जाएं, मैरिड जो भाई मैरिड है वो प्रूफ ऑफ मैरिज लेके जाएं। जिन भाइयों ने एज में छूट ली है वो अपने एज के लिए ले जाएं। जो भाई जैसे एसटी एससी से हैं और वो छूट मांग रहे चाहते हैं तो उसके हिसाब से वो अपने एससी जाति के कागज़ लेके जाएं। कागज़ तो सभी लेके जाएंगे, और एनओसी जो भाई एनओसी लगाए हैं वो एनओसी सर्टिफिकेट लेके जाएं, और 10 फोटोग्राफ, ठीक है, 9 से 10 फोटोग्राफ बताए हैं ये लेके जाना है। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों की 10 मिनट में 1 माइल की रनिंग होगी। ठीक है, जिसमें आप लोगों को क्वालिफाई करना है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो कोई दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है, फिज़िकल में। और अगर कोई दिक्कत आ रही है इसमें कि कौन सा फॉर्म कैसे भरें, कहाँ से बनाएगा, तो आप लोग कमेंट करें, आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।